देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आजादी के 75वें साल पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मानेसर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेता सुंदरलाल यादव के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। बता दें कि पैदल मार्च और जीप में सवार होकर हजारों युवाओं ने देशभक्ति के गीत के साथ रैली निकाली। इस संबंध में हमारे संवाददाता सूरज दुहन ने तिरंगा यात्रा में जाकर लोगों से बातचीत की। 75वें आजादी महोत्सव पर यहाँ पर देख सकते हैं जो तिरंगा यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। हर घर तिरंगा का जो अभियान है वो शुरू हो चुका। आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर जो गांव-गांव और पूरे मानेसर में जो जीप है उसके साथ में 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है। वो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर जो सुंदरलाल यादव भी हैं साथ में लखन सरपंच भी है। आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है, एक 75वें अमृत महोत्सव पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में इससे बड़ा खुशी का सौभाग्य हो नहीं सकता और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 75वीं आज़ादी के जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसमें हम भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या में मानेसर नगर निगम के सफायर माल से सेक्टर 83 से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन में मेरे सारे सरपंच साथीगण और नए गुड़गांव के तमाम RWA, यहाँ के आसपास के अनेक मौजूद ग्रामीण और सामान्य ग्रामीण सभी ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर शिरकत की है और इस तिरंगा यात्रा को बहुत बड़े स्तर पर मनाने में हमारा सहयोग दिया है। और निश्चित रूप से हम लोग भाग्यशाली लोग हैं कि आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव में जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार एक अनोखी पहल शुरुआत किया कि हर घर घर तक, हर जन जन तक हम तिरंगा झंडा पहुँचाएंगे। उसी कड़ी में हम मानेसर नगर निगम में कल तक 8,000 झंडे वितरण कर चुके थे और आज एक भव्य यात्रा यहाँ की RWA है, चाहे यहाँ के गांव हैं, उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से मेल मिलाप से एक सुंदर तिरंगा यात्रा यहाँ नगर निगम मानेसर में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की आज यहाँ किया, जिसका सफायर 83 माल से शुरुआत हुई थी और शहीद स्मारक नगड़ोला में पुष्प अर्पित करके उसका समापन किया जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हजारों यहाँ पर समर्थक है और एक तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, जहाँ पर पूरे मानसर जितने भी गांव आते हैं उसके पूरे यहाँ पर राउंड लिया जाएगा और यहाँ पर विधायक भी यहाँ पर पहुंचे तो लखन सरपंच से ही बात करेंगे। सरपंच साहब, जिस तरह आपकी बार जो आज़ादी का महोत्सव है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और यहाँ पर जो तिरंगे की जो शान है वो देखी जा रही है कि हर घर पर तिरंगा है, उसकी जो शुरुआत हो चुकी है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान था, उन्होंने घर घर तिरंगा का शुरुआत करने के लिए एक संकल्प लिया हुआ था। पूरे देशवासियों ने, हमारे देश के 125 करोड़ देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हरियाणा के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज हमारा पूरा एसोसिएशन गुड़गांव ब्लॉक का सुंदरलाल सरपंच जी, नारपुर सरपंच विजय पाल जी, लक्ष्मण सरपंच हरजस जी, प्रदीप जी, सरपंचों का जो समूह है वो यहाँ पर गांव गांव घर घर जाकर अभियान चला रहा है और साथ में तिरंगा लेकर दे रहे हैं कि आप अपने घर की छत पर तिरंगा लगाएं। सरपंच साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आज भव्य आयोजन किया गया है, ये जो आज 13 तारीख है 15 तक ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या संदेश देना चाहें गुड़गांव वासियों को, देशवासियों को? देखिए, निश्चित रूप से गुड़गांव में इसी तरीके का भव्य आयोजन 15 तारीख तक चलता रहेगा और मैं तो ये कह रहा हूँ 15 के बाद भी चलता रहेगा। ये एक ऐतिहासिक पल है जो हमें मनाने का मौका मिला है और स्वाभाविक रूप से समस्त देशवासी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बहुत बड़ी संख्या में भारत के हर कोने कोने में इस बार तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा, जन जन तक तिरंगा पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और हम ये मान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर से भी लंबा काफिला जिसमें हजारों की संख्या में गाड़ियां और मोटरसाइकिल से ये भव्य तिरंगा यात्रा मानेसर नगर निगम में निकाली है, उसी तरीके से पूरे देश भर में इस तरह की तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो तिरंगा यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी अब की बार 75वीं जो वर्षगांठ है और अमृत महोत्सव है जो बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहेगा। यार, पूरे देश भर में हर छत की, घर की छत पर तिरंगा है वो लहराता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन लोकेश के साथ मैं सूरज दुवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम।